जी तो भाइयों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब यार। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम ऑब्वियसली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, जैसे कि हमारा सारा नेशन ही डिसअपॉइंट हुआ। तो हमने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सोचा कि गांव चले जाते हैं, बिकॉज जब भी हम परेशान होते हैं तो हम गाँव आ जाते हैं, बिकॉज काफी सुकून होता है यहाँ पर। तो लाहौर में सुकून मिल नहीं रहा था, मैच के बाद बैठा नहीं जा रहा था, दिल कर रहा था कि कुछ कर दिया जाए। तो फिर हमने सोचा कि बेहतर ये है कि जाके अपने आप को रिलैक्स किया जाए और सोचा जाए कि हमारे साथ क्या हुआ। तो बात यह है कि सारे क्रिटिसाइज तो करेंगे कि यू नो ये ऐसे होना चाहिए था, सही नहीं खेले, कैप्टेंसी ठीक नहीं है, सिलेक्शन ठीक नहीं है, पर अगर असल में देखा जाए तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारी जो टीम है वो एक बेहतर टीम है। कल प्रेशर नहीं हैंडल कर सके और मैनेज उनसे नहीं हो पाया, जो इंडियंस ने एक ऑरा क्रिएट किया हुआ था, ओवरऑल पूरी मैच सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट की हुई थी। बट नेवरदलेस दिस वाजंट आवर टीम, जो कल की परफॉर्मेंस थी वो हमारी टीम का जो है वो नहीं दिखाता। ऑल्दो देयर वीकनेसेस, ऑब्वियसली मैं भी बैठ के एक्सपर्ट बनाता हूँ, सोच रहे होते हैं यार शादाब को क्यों खिला रहे हैं, इसकी जगह इमाद को होना चाहिए था ओपनर। इमाम तो वैसे बाय द वे आपने होम्योपैथिक दवाई का सुना, वो कहते हैं ना उसका नफा होता है ना नुकसान होता है, तो इमाम इज जस्ट लाइक दैट। ओपनर जरूर है पर ना उसका फायदा जिस टीम के लिए वो खेलते हैं उसको, ना उसका नुकसान जिस टीम के वो खिलाफ खेलते हैं उसको। तो खैर इस तरह की ओपिनियन सबकी होती है, मेरी भी ओपिनियन है, बट नेवरदलेस मेरा ख्याल है हमारी टीम इससे बहुत बेहतर है। जो कल परफॉर्मेंस थी इट वाज जस्ट द प्रेशर दैट टुक देम डाउन, और सारे फैंस की तरह हम भी डिसअपॉइंट होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है दैट वी वोंट बाउंस बैक। आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, देन वी गोइंग टू प्ले अफगानिस्तान, फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड के साथ हमारा मैच है, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट वी आर गोइंग टू बाउंस बैक वेल इन द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप हमारे लिए जो है वो ऑन रहना चाहिए, यू नेवर नो। ये हमें एक हमारा बैड टर्न आया बिकॉज हम ऐसे राइज पे थे एशिया कप से पहले कि जी पाकिस्तान नंबर वन है, अनबीटेबल बॉलिंग बैटिंग के अंदर भी बाबर नंबर वन चल रहा है, बाकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो लग रहा था कि अनबीटेबल हुए पड़े, कुछ भी इनको कोई भी हरा नहीं सकता। बट ऑब्वियसली द केस वाजंट दैट, एवरी टीम हैज अ डाउन टाइम, अभी बुरा टाइम स्टार्ट हुआ एशिया कप से, फिर वो रिकवर करते करते टाइम लग गया, अभी कल भी पिछले इतना ज्यादा प्रेशर था, बर्डन था ऑलरेडी, एज इफ यू नो द फैंस इवन न्यू कि हम यार मुश्किल ही है शायद वी विल मेक इट, बिकॉज इंडिया बड़े अच्छे टच। और हमें मानना चाहिए यार इंडिया हैज बीन डूइंग रियली वेल लेटली, एंड अगर वो जीत रहे हैं तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई बात नहीं, उन्होंने मेहनत बहुत की हुई है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या खिला के लेके आए हैं, आईपीएल खिला देते हैं, बीपीएल खिला देते हैं, सीपीएल खिला देते हैं, उनके तो 10-15 अपने एल है, मतलब लीग्स है उनकी अपनी, तो वो खेलते रहते हैं, उनको अच्छी प्रैक्टिस करवा के अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं। और सिनेरियो ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया ने वैसे माहौल बड़ा बनाया, मैच बड़ा अच्छा बिल्डअप किया, बट दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है और हमारे लिए भी वर्ल्ड कप ओपन है, वी आर गोइंग टू यू नो बाउंस बैक रियली हार्ड, हम लोग जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और मेरा ख्याल है सेमीफाइनल फाइनल तो कोई मसला ही नहीं, एंड इफ लकी, और अगर आप वाकई चाहते हैं कि 50 ओवर्स क्रिकेट खत्म हो जाए तो हम हो सकता है फाइनल जीत भी जाए, बिकॉज अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो फिर 50 ओवर्स क्रिकेट तो खत्म हो जाएगी, बिकॉज बीसीसीआई आईसीसी के लिए वो बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट ये है कि ये सिचुएशन है, तो हम तो गाँव आ गए, अगर दोबारा हार गए तो फिर आ जाएंगे, मतलब हमें तो गाँव आके हम वापस जीरो से स्टार्ट हो जाते, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों के पास भी ऐसा कोई यू नो गेटवे है जहाँ से आप जाके अपना पीस ऑफ माइंड जो है अचीव कर। सो एंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, सी यू गाइस, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।